सनातन धर्म में पशुओं और जानवरों को काफी महत्व दिया गया है। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हम आपको हाथी, घोड़ा और शेर के बारे में बता चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसी कड़ी में आज हम आपको सनातन धर्म में कुत्ते की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनती रहेगी कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुत्तों की माता सरामा की कथा। सनातन धर्म का प्रारंभ ऋग्वेद से माना जाता है। ऋग्वेद में सरामा नाम की एक कुतिया का वर्णन है, जो सभी कुत्तों की माता कही गई है। सरामा इंद्र के साथ रहने वाली फीमेल डॉगी है। ऋग्वेद की एक कथा के अनुसार, जब अंगीरा ऋषि के पुत्रों की गायों का दुष्ट पणियों ने अपहरण कर लिया था, तब सरामा कुतिया ने ही इन गायों की खोज की थी। सरामा कुतिया की सहायता से ही इंद्र ने पणियों यानी दुष्ट लोगों से वापस उन दिव्य गायों को प्राप्त किया था। सरामा के लिए ऋग्वेद में कई अच्छी बातें कही गई हैं। सरामा को शुभ गा यानी कि जो सबकी प्रिय हो और भाग्यवान हो, देवशुनी अर्थात देवताओं की पवित्र कुतिया, और सुपदी मतलब कि जिसके पैर शुभ हो, कहकर उसकी प्रशंसा की गई है। रामायण में कुत्तों की कथा। वाल्मीकि रामायण में दो स्थानों पर मुख्य रूप से कुत्तों का वर्णन मिलता है। पहली, अयोध्या कांड में भरत को उसके मामा 2000 कुत्ते उपहार में देते हैं, ताकि उसे वो अयोध्या ले जा सके। दूसरी कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के एक प्रक्षिप्त सर्ग में मिलती है। कथा ये है कि एक कुत्ता श्री राम के दरबार में न्याय मांगने के लिए आता है। कुत्ते का आरोप है कि एक ब्राह्मण भिक्षु ने अकारण क्रोध में आकर उसका सिर फोड़ दिया है। चूँकि ब्राह्मण अवध्य माने गए हैं और उन्हें दंड विधान से छूट मिली हुई है, इसलिए श्री राम कुत्ते से ही पूछते हैं कि इस ब्राह्मण भिक्षु को क्या दंड दिया जाए। कुत्ता श्री राम से कहता है कि इस ब्राह्मण को किसी मठ का महंत बना दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि महंत का पद पाप से भरा होता है। महंत ब्राह्मणों का हक मारते हैं और स्त्रियों और पुरुषों के धन का अपहरण करते हैं। इसके बाद महंत अपने पापों की वजह से कुत्ते के रूप में अगला जन्म लेते हैं। शिव का गण बना एक कुत्ता। लोक कथाओं में प्रचलित एक कथा ये भी है कि एक बार एक श्वान ने मुक्ति की इच्छा से भगवान शिव का ध्यान किया, तब करुणामय शिव ने तुरंत उस पर करुणा बिखेरी और उसे वरदान दिया कि हे श्वान, अगर तुम किसी यज्ञ स्थल पर जाकर वेदों की पवित्र ऋचाओं का श्रवण करोगे तो इससे तुम्हारी आत्मा को मुक्ति प्राप्त होगी। उस समय दक्ष प्रजापति का एक यज्ञ चल रहा था। काले श्वान ने एक कोने का स्थान अपने लिए चुना और वेद मंत्र को सुनने लगा, तब सैनिकों द्वारा भगा दिया गया। फिर सदाशिव ने दक्ष को समझाते हुए कहा कि आपको ब्रह्मा ने प्रजापति बनाया है, आप कुछ प्राणियों के प्रजापति नहीं हैं, बल्कि पूरी सृष्टि का पालन आपका धर्म है। तब शिव ने उन्हें अपना गण होने का वरदान दिया। श्वान इस बात का जीवंत उदाहरण है। आज भी कई जगहों पर इसकी मूर्तियां बनी हुई हैं। भैरव के वाहन के रूप में इसकी पूजा भी होती है। शनिवार को काले कुत्ते को भोग अर्पित करने से ग्रहों की दशा शांत होती है। महाभारत में कुत्ते का महत्व। महाभारत में भी कुत्तों की लगभग 4 कथाएं मिलती हैं। आदि पर्व में एक बार फिर सरामा कुतिया सामने आती है। कथा है कि सरामा कुतिया के बेटे को राजा जनमेजय के यज्ञ में प्रवेश करने की वजह से पीटा जाता है। सरामा इस बात को सुनकर क्रोध से भर जाती है और राजा जनमेजय को शाप दे देती है। कुत्ते का दूसरा जिक्र महाभारत के उस प्रसंग में है, जब युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में विहार कर रहे थे। अचानक उनके एकांत को भंग करने के लिए एक कुत्ता आ जाता है। तब युधिष्ठिर उस कुत्ते को शाप देते हैं कि जिस प्रकार उस कुत्ते ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में संभोग करते देखा है, उसी प्रकार कुत्तों की संभोग क्रिया सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया देखेगी। महाभारत में कुत्ते का तीसरा प्रसंग स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है, जब युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ सशरीर स्वर्ग प्राप्ति के लिए हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चलता है। युधिष्ठिर को छोड़कर सारे लोग रास्ते में ही प्राण त्याग देते हैं, लेकिन कुत्ता बच जाता है।
जब इंद्र युधिष्ठिर को अकेले सशरीर स्वर्ग ले जाने का प्रस्ताव देते हैं तो युधिष्ठिर ठुकरा देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि उनके साथ ये कुत्ता भी स्वर्ग जाएगा। बाद में इंद्र मान लेते हैं और कुत्ते को भी स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो कुत्ता धर्म के रूप में प्रकट हो जाता है और कहता है कि वो युधिष्ठिर के धर्म की सत्यता को जानना चाहता था। इन सभी कथाओं के अलावा भगवान दत्तात्रेय ने भी 24 गुरुओं में कुत्ते को अपना गुरु बताया है। भारत के अलावा अन्य देश जैसे इजिप्ट, ग्रीस, रोम, मेक्सिको में भी कुत्ते की पूजा की जाती है और नव ग्रहों में शनि केतु का भी प्रतीक कुत्ते को माना गया है। हमारे सनातन धर्म में तो हर जीव को सम्माननीय और पूजनीय बताया गया है, इसलिए हमको हर जीव का सम्मान करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम आगे भी आपके लिए सनातन धर्म के जीव जंतुओं की जानकारी इसी तरह लाते रहेंगे। धन्यवाद।